बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काश्कर भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट दिलदार हुसैन और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जट एग्री टिप्स। काश्कर भाइयों, आज के इस वीडियो में हम मकई की फसल में शूट बोरर को कंट्रोल करने के हवाले से बात करेंगे कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। काश्कर भाइयों, शूट बोरर मकई की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए जब आपकी मकई की फसल 20 दिन की हो जाए तो आपने 45 ग्राम रिजेंट का इस्तेमाल करके आप इसको फ्लड भी कर सकते हैं और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप शूट बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए तो आपने दोबारा रिजंड का 60 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें या फ्लड कर दें तो आप शूट बोरर को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिजंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो आप विटा को 8 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करके भी शूट बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं।